चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th इकोनॉमिक्स के अध्याय 4 का अधिकांश पॉइंट पढ़ा दिए हैं और शेष जो बचा हुआ पॉइंट है वो आज हम पढ़ेंगे। और आज का पॉइंट है आपका स्वयं सहायता समूह। आज इसके संबंध में जानना है आप लोग, एक बार सुन लीजिए इसके संबंध में। एक स्वयं सहायता समूह हम बताने जा रहे हैं आपको, आज का पॉइंट भी यही होगा। मैं बता दूं आप लोगों को, स्वयं मतलब खुद के, सहायता मतलब हेल्प करना, खुद के हेल्प करने वाला समूह अर्थात आस पड़ोस के लोगों द्वारा बनाया गया वैसा समूह जिससे खुद अर्थात जो उसके सदस्य हैं उसी का सहायता उसके द्वारा किया जाता है, उसी समूह को स्वयं सहायता समूह के नाम से पुकारा गया। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि यह समूह बहुत पहले से बनते आ रहा है, लेकिन कुछ दशक पहले इस समूह में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी है। और आज मैं अगर यह कह दूं, यह समूह बिल्कुल ही महिलाओं का समूह बन चुका है, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। आज 15 से 20 महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती है और इन समूहों को आज आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी ध्यान दे रही है। इन समूहों की स्थिति को ठीक करने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार कुछ वित्तीय सहायता भी दे रही है, जिससे यह समूह विभिन्न तरह के धंधा जहां कर रहे हैं वहीं अपनी छोटी मोटी वित्तीय आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, इस समूह के बनने के बाद महिलाएं काफी सशक्त हो रही है, महिलाएं काफी मजबूत हो रही है, महिला को इस समूह के माध्यम से बाहरी वातावरण से रूबरू होने का मौका मिल रही है। तो क्लियर हो गया कि स्वयं सहायता समूह हमारे समाज में खास करके महिलाओं के विकास के लिए एक वरदान साबित हो रही है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्वयं सहायता समूह आस पड़ोस के लोगों का एक स्वैच्छिक समूह होता है जो मिलजुल कर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोमा आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बैंकों से लघु ऋण लेकर विभिन्न तरह के उत्पादन का कार्य करते हैं। इस समूह में महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसमें 15 से 20 व्यक्ति होते हैं, उनविदा इससे गांव का विकास हो रहा है, वहीं महिलाएं सशक्त हो रही है। इस तरह से आपने स्वयं सहायता समूह कुछ समझ गए और लिख भी लिए होंगे। अब एक नोट में एक छोटा सा चीज लिखिए, स्वयं सहायता समूह को इंग्लिश में संक्षेप में ऐसे कहते हैं, एस
एच जी, इसी का पूरा नाम लिखाने जा रहे हैं, एस एच जी का पूरा नाम। तो शायद एस फोर जानते होंगे सेल्फ होता है, सेल्फ, और एच फोर होता है हेल्प, हेल्प, और जी फोर होता है ग्रुप। इसी को हो गया सेल्फ मतलब हो गया स्वयं, हेल्प मतलब सहायता, और ग्रुप मतलब समूह, अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर स्वयं सहायता समूह में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं जी, स्वयं सहायता समूह में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं सर। मूलभूत का मतलब, हाँ, मूलभूत का मतलब हुआ वह वस्तु, वह चीज, वह आवश्यकता जो हमें जीवित रहने के लिए, अस्तित्व में रहने के लिए आवश्यक है, उसको कहते हैं मूलभूत तत्व। अर्थात जैसे भोजन हो गया, ये क्या हो गया हमारा मूलभूत तत्व हो गया, भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं जी। अगला सर स्वैच्छिक समूह मतलब, स्वैच्छिक मतलब होता है स्वेच्छा से, किसी दबाव इत्यादि कर्म से नहीं, स्वेच्छा से अपने आप जब कोई काम करते हैं तो उसको कहते हैं स्वैच्छिक, और वैसा समूह जो स्वेच्छा से लोग बनाते हैं उसको कहते हैं स्वैच्छिक समूह। सर लघु ऋण जी, सर लघु ऋण, लघु मतलब होता है छोटा, ऋण मतलब कर्जा, मतलब छोटा कर्जा। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है सूक्ष्म वित्तीय योजना। सूक्ष्म वित्तीय योजना, यह एक सरकार की योजना का नाम है। इसके द्वारा स्वयं सहायता माध्यम, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीब जरूरतमंद लोगों को लघु स्तर पर ऋण उपलब्ध कराई जाती है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के जिन लोगों को ऋण पाने की कोई उम्मीद नहीं रहती थी और नहीं है, उसे भी ऋण मिल जाती है, और उसको पाकर वह विभिन्न तरह के उत्पादन के कार्य करते हैं और अपनी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। अतः यह सूक्ष्म वित्तीय योजना गरीब नीचे तबके के लोग के विकास में वरदान साबित हो रही है। तो इस तरह से आपने सूक्ष्म वित्तीय योजना क्या है उसको समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीब जरूरतमंद लोगों को छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधाएं प्रदान की जाती है। परिणाम स्वरूप गांव, जिला, कस्बा के गरीब लोगों की जिंदगी सुधर रही है। इस तरह से आपने सूक्ष्म वित्तीय योजना को भी समझ गए और लिख भी लिए होंगे। आपका अगला पॉइंट है किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है।
लिख लीजिए पहले इसको। रीम अथवा साख की आवश्यकता क्यों होती है? पॉइंट है, किसानों को ऋण अथवा साख की आवश्यकता क्यों होती है? लिख लीजिए, फिर एक बार सुन लीजिए इसको बढ़िया से। चलिए, तो पहले इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। किसानों को ऋण अथवा साख, ऋण मतलब समझते हैं कर्ज और साख मतलब होता है उधारी। तो किसानों को दोनों चीज की जरूरत होती है, ऋण की भी जरूरत होती है और उधारी की भी जरूरत होती है। तो क्यों होती है, ये है आपका पॉइंट, कहता है बताने के लिए क्यों होती है। मैं बता रहा हूं आप लोग, खेती करने के लिए एक ही बार काफी अधिक पूंजी की जरूरत होती है, क्योंकि खेत की जुताई, बीज, खाद, सिंचाई आदि एक ही बार जरूरत होती है और जिसमें काफी अधिक पूंजी लगाना पड़ता है, जो सामान्यतः किसान के पास नहीं होता है। तब वह इसकी पूर्ति या तो ऋण लेके करते हैं या उधारी लेके करते हैं। अधिकांशतः किसान इसकी पूर्ति ऋण से या उधारी से ही कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि किसान को क्यों ऋण और साख की जरूरत है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कृषि कार्य ऐसी कार्य होती है, कृषि कार्य ऐसी कार्य होती है जिसमें एक ही साथ खेत की जुताई, बीज, खाद, सिंचाई आदि के लिए काफी अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है, जिसको अधिकांश किसान पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। अतः इसकी पूर्ति के लिए किसान को साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। तो आपने किसान को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों है, इसको समझ गए और लिख भी लिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। जी तो शायद आप लोग को लगता है कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अधिकांशतः किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। अतः किसान के हालत कैसी है उससे अवगत ही रहते हैं। और आज मैं अगले पॉइंट की ओर नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि समय आपका समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ रहा है।